अजनबी उत्पाद जैसा दूध और मांस के उत्पाद को कमरे का तापमान में हम रख नहीं सकते। इसके लिए कमरे के तापमान में रखने के लिए इस मशीन के मदद से हम इसको रूम के या कमरे के तापमान में रख सकते हैं कि किसान भाइयों को इस तरह उत्पादों को इस तरह करने से उनका आय दोगुना हो सकती है। हम दूध और मांस का उत्पादों को 121 डिग्री टेम्परेचर तक इसको बढ़ाते हैं, फिर एकदम से इसका टेम्परेचर को 60 डिग्री तक कम करते हैं। इसमें उत्पाद और प्रोडक्ट्स के अंदर मांस या दूध और उसके अंदर जितने भी कीटाणु हैं और उसका स्पोर्स, ये सब टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये जो है, इसके पास हमारे पास जितने भी जो पाउचेस हैं प्रोडक्ट जिसके अंदर इसके उत्पाद हैं या दूध है, वो जो है कीटाणुओं से फ्री हो जाती है। और इसको हम रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं 6 माह से 12 माह तक। इससे किसान भाइयों से ये मेरा अनुरोध है, इस तकनीक को आप अपने यहाँ से सीख लें और इसको ये कोऑपरेटिव रूप से या आप सब मिलके यहाँ हमारे पास सीखें और इसके अपनी जगह पे लागू करें। दूध जैसा बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध को हमने कमरे का तापमान में रखने तकनीक बनाए। इसी तरह जो पनीर है, जो बकरी का पनीर है, उसको खरी फार्म में बना के हम कमरे के तापमान में रखने का विधि बना के कमरे के तापमान में रख रहे हैं हम लोग। जैसा बकरी का मांस है, मांस की खरी प्रोडक्ट, हम उसको तापमान के रूम के तापमान में रखने का विधि तैयार की, वो भी अवेलेबल है। इस कोल्ड चेन जिसमें जो ठंडे का व्यवस्था इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन इसकी उत्पादों को लेने के लिए लोग तैयार तो हैं, या अगर एक साइड से हमारे पास उत्पाद बहुत है, दूसरी साइड से लेने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन कोल्ड चेन ना होने के कारण, तापमान ठंडे नहीं होने के कारण हम इस चीज़ को उन लोगों तक पहुँचा नहीं पाए। अगर इस तरह उत्पादों को हम इस तरह मशीन से बना के प्रोडक्ट को कमरे के तापमान में रखे, हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में आसान रहेगा। इसमें हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए फ़ायदा रहेगी। किसान भाई हमारे यहाँ पर इस चीज़ को सीखें और इसको अपने जगह पर लागू करें।